हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिगो लुईस फिशर के। तो ऑथर के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। तो इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को फिलाडेल्फिया पेंसिल्वा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1970 को। दोस्तों, इंडिगो जो लुईस फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक अंश है इंडिगो, जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे भारतीयों ने महसूस किया कि वे अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़न का विरोध कर सकते हैं। लुईस फिशर उस समय को याद करते हैं जब उन्हें गांधी जी से सेवाग्राम आश्रम में मुलाकात की और सीखा कि कैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। गांधी जी लखनऊ की एक घटना से शुरू करते हैं जहां राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान ने उनके चंपारण आने और जमींदार व्यवस्था के कारण उनके और अन्य किसानों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए विनती की। राजकुमार शुक्ला महीनों तक प्रतीक्षा करते हैं और अंत में गांधी जी को कलकत्ता से वकील राजेंद्र प्रसाद के घर पटना ले जाते हैं। किसानों की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। उनके आगमन की खबर चंपारण के कई बटाईदारों को उनकी ओर आकर्षित करती है। मुजफ्फरपुर के वकील जिन्होंने इन किसानों का प्रतिनिधित्व किया था, गांधी जी को उनके मामले के बारे में बताते हैं। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि कानून अदालतें बेकार हैं और भय से मुक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो किसानों को राहत दिला सकती है। मुद्दा यह है कि किसानों को 15% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यह सब अंग्रेजों को लगान के रूप में देना पड़ता था। हालांकि अब अंग्रेजों को जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चलता है तो वे किसानों को इस 15% हिस्से से मुक्त करने के लिए सहमत होते हैं, बशर्ते कि किसान अंग्रेजों को मुआवजा दे। हालांकि कई सहमत हो गए थे पर कुछ इसके विरुद्ध थे, अदालत जाते हैं। हालांकि जब किसानों को इस धोखे के बारे में पता चलता तो वे वापस भुगतान की मांग करते। गांधी जी तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क करते हैं। इसके बजाय उसे चंपारण छोड़ने के लिए कहा जाता है, जिसकी वह अवज्ञा करता है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। हालांकि उन्हें मुकदमे को स्थगित करना पड़ा क्योंकि हजारों लोग इस कारण से गांधी जी का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब गांधी जी के अनुसार यह अंग्रेजों के डर से भारतीयों की आज़ादी की शुरुआत है। मजिस्ट्रेट के साथ बाद में समझाने वाली चर्चा के बाद गांधी जी को जमानत के बिना रिहा कर दिया गया और इस बीच चंपारण में रहने के लिए स्वतंत्रता भी मिल गई। राजेंद्र प्रसाद सहित तो मुख्य वकीलों ने आवश्यकता पड़ने पर किसानों के लिए गांधी जी के साथ जेल जाने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट प्रांत के लेफ्टिनेंट जनरल के आदेश पर मामले को छोड़ देता है। यह भारत में सविनय अवज्ञा की जीत का पहला उदाहरण है। इसके बाद किसानों की शिकायतों की गहन जांच की जाती है। इसके अलावा गांधी ने प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के साथ लंबी चर्चा की, जिससे किसानों के मुद्दों की जांच के लिए आधिकारिक आयोग का गठन हुआ। जांच किसानों के हितों की रक्षा के लिए सबूत इकट्ठा करती है जो अंततः जमींदारों को किसानों के पैसे वापस करने के लिए सहमत करती है। हालांकि जमींदार केवल 25% राशि वापस करने के लिए सहमत है। हालांकि गांधी जी 50% की मांग करते हैं। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि जमींदारों को धन वापसी के लिए सहमत करना उनके द्वारा वापस की जाने वाली वास्तविक राशि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना किसानों को उनके जीव अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और वे साहसी बनते हैं। लेखक का कहना है कि कुछ ही वर्षों में नील की बटाईदार समाप्त हो जाती है। गांधी जी चंपारण के सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर ध्यान देते हैं और इसके उत्थान के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। पूरा आंदोलन स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षक आते हैं और प्राथमिक विद्यालय शुरू करते हैं। एक डॉक्टर स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देता है। स्वच्छता की स्थिति में सुधार होता है। जब गांधी जी के वकील मित्रों ने एक अंग्रेज
और गांधी के शिष्य चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू को अपनी तरफ करने का सुझाव दिया तो गांधी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि उन्हें समर्थन देने के लिए किसी अंग्रेज की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी लड़ाई में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ करके, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए ऑथर के साथ। अगर मेन कैरेक्टर राजकुमार शुक्ला ना होते तो शायद गांधी जी बिहार के बटाईदार किसानों के बारे में, जो उनके साथ शोषण किया जा रहा था जमींदारों द्वारा, तो उनको पता नहीं चलता और ना ही चंपारण सत्याग्रह होता है। तो दोस्तों ये सब अगर देखा जाए तो राजकुमार शुक्ला पर ही जाता है। तो राजकुमार शुक्ला एक गरीब बटाईदार थे, किसान थे, जो ब्रिटिश जमींदारों का शिकार थे। यद्यपि वे अनपढ़ थे फिर भी वह ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ थे और उनके लड़ने के लिए वह गांधी जी से मदद के लिए जाते हैं। राजकुमार शुक्ल के कारण ही गांधी जी बिहार के चंपारण गांव आए थे। बाद में ब्रिटिश जमींदारों के साथ यह संघर्ष भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। तो दोस्तों बात कर ले अगर चार्ल्स फ्री एंड्रयूज का, तो चार्ल्स फ्री एंड्रयूज एक अंग्रेजी शांतिवादी थे जो महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी बन गए। फिजी द्वीपों के दौरे पर जाने से पहले वह गांधी जी को विदाई देने आए थे। गांधी जी के वकील मित्रों ने उन्हें रहने और युद्ध में उनकी मदद करने के लिए जोर दिया, लेकिन गांधी जी ने यह कहते हुए कड़ा विरोध किया कि उन्हें लड़ाई जीतने के लिए किसी अंग्रेज पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना चाहिए। तो अब मेन कैरेक्टर इसमें महात्मा गांधी भी थे। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत बुद्धिमान और बोधगम्य व्यक्ति थे। उनके मूल सिद्धांत अहिंसा और आत्मनिर्भरता थे। देश के विकास के लिए उनका पूरा राजनीतिक अभियान इन्हीं दो सिद्धांतों पर आधारित था।